हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, अपना रसोई अड्डा में आप लोग का स्वागत है। हम आज बनाने जा रहे हैं हरा धनिया की चटनी। तो आज हरा धनिया बनाने का, चटनी का बनाने का मैं एक तरीका बताऊंगी, जो हरा रहता है चटनी है, जितने दिन के लिए रहेंगे रखेंगे आप स्टोर करके, वो हरा रहेगा। क्योंकि कई चटनी, कई लोग को तो बहुत अच्छा से बनाना आता है, कई लोग बना भी लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जो कोई कोई नए फ्रेंड्स हैं उनको बनाना नहीं आता है, तो मैं बता रही हूँ। तो हमने 100 ग्राम धनिया ले लिया था, और इसको अच्छा से धो करके, साफ करके, काट के, थोड़ा सा डंठल हटा दिया, और थोड़ा सा डंठल हमने ले लिया, क्योंकि अभी अभी जो धनिया आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा ताज़ा भी है, और मौसम की धनिया है तो इसलिए सॉफ्ट है डंठल, थोड़ा सा हमने ले लिया। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, मैं डालूँगी 3-4 हरी मिर्ची, और 1 प्याज डालूँगी मैंने। आप चाहे तो कैसे भी टुकड़े करके डाल सकते हैं, बारीक बड़े हैं। और थोड़ा सा हींग डालूंगी मैं, बहुत आसान तरीका है। और लास्ट में एक चीज़ बताऊंगी मैं, और ये काला नमक है, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा, कम ज़्यादा। और थोड़ा सादा नमक है, जो नॉर्मल नमक सब्ज़ी में डालते हैं हम। और थोड़ा सा जीरा डालनी है, और कोई कोई तो लहसुन अदरक भी डालते हैं, हम भी डालते हैं कभी कभी, तो अगली बार मैं बता दूंगी। अभी अभी इसमें जो है, मैं धनिया और डंठल सब साथ इकट्ठे कर लिया, इसको डाल दूंगी। और नींबू है, नींबू निचोड़ दूंगी इसमें 1 चम्मच करीब। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो खटाई की जगह में नींबू भी डाल सकते हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं, आपको जो मन करे वही करिएगा, किसी को कहने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। ये देखिए, 2-3 चम्मच मैंने नींबू का रस निचोड़ दिया इसमें। और ये जो बर्फ़ क्यूच है इसमें डालूँगी हरापन के लिए, ये डालूँगी मैं। तो चटनी बनाने का तरीका जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है, और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप फटाफट बना लीजिएगा, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देखिए, हरापन इसका इतना अच्छा है, अच्छा क्वालिटी है इसमें। तो नमक चेक कर लीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा नमक, थोड़ी सी कम है इसमें, जिन्हें ज़्यादा पसंद है नमक, कोई कोई कम खाते हैं। और हम इसमें थोड़ी सी पानी डालेंगे, बर्फ़ के टुकड़ा डाली थी मैंने पहले, इसलिए लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि गाढ़ी है। ये देखिए, चटनी का कलर कितना अच्छा आया, बढ़िया सा ना, एकदम हरा। तो आप स्टोर करके इसको 10-15 दिन रख सकते हैं फ्रिज, डीप फ्रीजर में, और जब पकोड़े बनाएं, कभी समोसे बनाएं, कभी कुछ ऐसे नॉर्मल खाने के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट होती है। ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा बन गया ना, हमारा चटनी तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच। हमारा अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।